हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ग्रीन चटनी। इसको बनाना बहुत सिंपल है, लेट्स स्टार्ट। इसके लिए मैंने लिया है 1/2 कप धनिया, 1/4 कप पुदीना, 2 अनियंस चॉप्ड, 1 लेमन एंड 1 ग्रीन चिली फाइनली चॉप्ड। साथ में ही मैंने सॉल्ट एंड ब्लैक सॉल्ट दोनों लिए हैं। एंड दिस इज़ द टैमरिंड पल्प जो आपको मार्केट से ईजिली अवेलेबल है। तो ये देखिए, सबसे पहले ग्राइंडर के अंदर हमने सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो मिक्स कर देने हैं। पुदीना, धनिया, देन सम अनियंस, उसके बाद हम ऐड कर देंगे ग्रीन चिली, देन 1/2 to 1 teaspoon सॉल्ट डिपेंडिंग अपॉन योर चॉइस। आपको जितना नमकीन पसंद है आप उतना सॉल्ट ऐड कर दीजिए। उसके बाद आप टैमरिंड पल्प भी ऐड कर सकते हैं। आप एडिशन ऑफ इंग्रेडिएंट्स ऊपर नीचे कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि सबसे पहले हमने टैमरिंड पल्प डालना है, बाद में सॉल्ट डालना है, बिकॉज वो ओवरऑल तो ग्राइंड ही हो जाना है। ये सब हम मिक्स करने के बाद हम 1 teaspoon शुगर भी ऐड कर सकते हैं। सो 1/2 या 1 teaspoon डिपेंडिंग अपॉन योर चॉइस, इसको ग्राइंड कर लीजिए। ग्राइंड करने के बाद आपकी जो चटनी है उसके अंदर एक लेमन स्क्वीज कर दीजिए। योर चटनी इज़ रेडी, इट इज़ रेडी टू सर्व। आप इसको फ्राइज के साथ खा सकते हैं, ब्रेड के ऊपर लगा सकते हैं। बहुत ही अच्छी टेस्टी बनी ही चटनी। आई होप यू लाइक इट। अगर आपको अच्छी लगी हो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।